उत्तराखंड में करोड़ रुपए की कथित सिटकुल घोटाले को लेकर भले ही एसआईटी की जांच जारी हो, लेकिन निर्माण कार्यों पर भविष्य में आरोपों से बचने के लिए सिटकुल ने थर्ड पार्टी जांच कराने का फैसला लिया है। इसके तहत सिटकुल निर्माण कार्यों की जांच के लिए आईआईटी रुड़की से संपर्क कर चुका है। दरअसल सन 2019 की शुरुआत में त्रिवेंद्र सरकार ने सिटकुल में हुए कथित घोटाले को लेकर एसआईटी जांच कराने का फैसला लिया था। इसके बाद सिटकुल के काम ठप पड़ गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम द्वारा कराए गए कामों की एसआईटी जांच जारी है, लेकिन जांच एजेंसी से मंजूरी लेने के बाद निर्माण कार्यों को शुरू करवा दिया गया है। तो करोड़ों रुपयों के कथित सिटकुल घोटाले को लेकर एसआईटी की जांच यहां पर जारी है। देखिए, सिटकुल के जो पुराने कार्य कराए गए थे उन कार्यों के संबंध में समय समय पर टीका टिप्पणी होते रही थी, तो सिटकुल प्रबंधन द्वारा इसमें निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त निर्माण कार्य का एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा लिया जाए। इसके लिए आईआर रुड़की से हमने रिक्वेस्ट किया है और आईआर रुड़की द्वारा इसमें अपना काम प्रारंभ कर दिया है। वो हमारे इन कार्यों का स्तरीय निरीक्षण भी कर रही है, उनकी गुणवत्ता की जाँच भी कर रही है और एज पर आया रिपोर्ट हम इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। और साथ ही जो हमारे बचे हुए काम थे उन कामों को अगले 6 महीने के अंदर हमें निपटाने की हमारी कोशिश है कि 6 महीने के अंदर हम सारे कार्य को कम्प्लीट करा लें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ भाटिया हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, जांच चल रही है एक तरफ एसआईटी की, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शायद कुछ ऐसे आरोप लग सकते हैं और इसी के लिए एक थर्ड पार्टी से जांच कराने का निर्णय लिया गया। बिल्कुल, देखिए अब जो है विभाग है इंटरनल जांच करवा रहा है, जिससे जो है ये साफ हो जाएगा कि जो भी काम विभाग के द्वारा कराए गए हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कोई दिक्कत होगी तो उस पर भी कार्रवाई का जो प्रावधान है। एक तरफ एसआईटी जांच चल रही है और क्योंकि जो सिटकुल में जब एसआईटी जांच हुई थी तो तमाम विभाग भी उतर के आखिरकार सीपीआर ने उनके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए थे उस पर बड़ा विभाग के बाद जो है विभाग के स्तर पर भी जाँच सौरभ सौरभ आपके पास हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से हम संपर्क आपसे कर पाए। तो सौरभ की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से करोड़ों रुपए का ये घोटाला सामने आया, त्रिवेंद्र सरकार ने यहां पर जांच के आदेश दिए, एसआईटी को जांच जारी है, लेकिन यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य जो है वो ठप पड़ गए हैं। हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कामों की जो शुरुआत है यहाँ पर की जा रही है। सौरभ, आवाज पहुंच पा रही है आप तक हमारी? बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जांच अभी सीमा है। इसके साथ ही थर्ड पार्टी जांच भी कराई जा रही है, जिससे जो सिटकुल में निर्माण करे हुए हैं जो अभी तो वो भी सामने आ सकेगी। जो जीएम सिटकुल है पीसी सिंह का, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है की थर्ड पार्टी जांच होने के बाद तमाम निर्माण किए गए हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।